हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 7 अक्टूबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पीवट बार रिवर्सल पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद निफ्टी में जबरदस्त एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट कल एक जबरदस्त तेजी के बाद एक करेक्शन आते हुए हमें देखने को मिला। नासडैक करीब 177 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट देखे तो कल सभी हरे निशान में बंद हुए थे। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स 38 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो इस समय फ्लैट नोट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय एक साइडवेज, एक कमजोरी देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। लास्ट 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मंथली चार्ट से एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये जो हमने अपसाइड रैली देखने को मिल रही है, ये मार्च का फॉल था, इसके बाद यहाँ से एक जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिला। अभी लास्ट मंथ इसने फिर से ये जो 20 EMA है, जहाँ पर इसने पास्ट में ये देखे कैसे सपोर्ट टेस्ट किया था और फिर बाउंस बैक दिखाया था, उसी तरह अभी लास्ट मंथ यहाँ पर इसने सपोर्ट दिखा के एक बाउंस बैक होने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके लिए ये जो मार्च का कैंडल का हाई है उसके ऊपर इसे क्लोज होना पड़ेगा। हम देख सकते हैं लास्ट 2 मंथ यहाँ पर ये इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा है। अभी ये अक्टूबर मंथ शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है और ये जो अगस्त का कैंडल बना हुआ है इसका हाई अगर ब्रेक करता है, तो हमें निफ्टी में आने वाले समय में नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, नए रिकॉर्ड हाई देखने को मिल सकते हैं अगर ये अगस्त मंथ के हाई के ऊपर क्लोज देता है। तो अभी मंथ खत्म होने में काफी दिन बचे हैं, लेकिन एक अपसाइड स्ट्रक्चर फिर से एक बार हमें मंथली चार्ट में निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये था मंथली चार्ट का सिनेरियो। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर इसने 23.6% का जो लेवल आ रहा था इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके अभी फिर से ये ऊपर की तरफ यानी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रक्चर वीकली चार्ट में भी अगर देखें तो अपसाइड स्ट्रक्चर का पैटर्न बन रहा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों अभी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए। लास्ट जब ये असेंडिंग ऑर्डर्स में थे तभी ये लास्ट फेब्रुअरी 2020 में दिखाई दिए थे, उसके बाद अभी ये लगभग एक 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद फिर से यहाँ पर फिर से अपसाइड स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया। अगर जैसे हमने ये स्विंग हाई लो पैटर्न को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, अभी हमें नेक्स्ट स्विंग हाई लो अगर हम इसको पकड़ के ड्रॉ करें
तो यहाँ पर क्या लेवल्स आ सकती है? तो हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हाई और ये लो को पकड़ के। तो आप देख सकते हैं अभी नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 38.2% का 11,925 दिखा रहा है। अभी ये जो लेवल का ये जो लेवल है ये टारगेट के पहले कहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं एज पर वीकली चार्ट? तो ये जो स्विंग हाई है यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है पास्ट में, तो इसका ये जो हाई यहाँ पर बन रहा है ये हो सकता है यहाँ पर एक हर्डल का काम करे। अभी ये 11,794 यानी 11,800 के पास इसे हर्डल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 11,925 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हम आने वाले टारगेट्स को यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल के अकॉर्डिंग हम अपने आने वाले समय में अपने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी वीक खत्म होने के लिए 3 दिन बाकी है, तो 2 ही दिन हुए हैं। यहाँ पर ये क्लोज कहाँ देता है ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये था वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करके आने वाले लेवल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। उससे पहले ये जो अपसाइड मूव आया है तो ये हमने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर कुछ दिनों पहले। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल फॉर्मेशन का आइडिया आया होगा। यहाँ पर एक है, फिर ये पास्ट में सेम पैटर्न आइडेंटिफाई होने के बाद एक जबरदस्त तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलती है। ये देखिए, इसे पीवट बार रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। डाउन ट्रेंड में जब भी ग्रीन कैंडल बनता है रेड कैंडल के बाद और उसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज से ऊपर होता है तभी इसे पीवट बार रिवर्सल कहा जाता है। अगर इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो क्लियरली पता चल जाएगा हाई लो और क्लोज करंट कैंडल का प्रीवियस कैंडल के हाई लो क्लोज से ऊपर है। तो जब भी ऐसा डाउन ट्रेंड में आने के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम पैटर्न बनता हुआ नजर आता है तभी हमें एक अपसाइड मूव यहाँ से आते हुए नजर आता है। तो ये अभी अपसाइड मूव जो है ये कहाँ तक ऊपर और जा सकता है इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो स्विंग हाई लो को पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, ये हाई ये लो, तो आप देख सकते हैं अभी इमीडिएट यहाँ पर एक हर्डल आ रहा है जो कि 11,700 के पास है। लगातार जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है तो एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है। तो यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना है डेली चार्ट में ये देखिए यहाँ पर, तो इसका ये जो लेवल बन पा रहा है ये अभी हो सकता है इसका सपोर्ट। अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ आएगा तो फर्स्ट सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा ये जो स्विंग हाई है यानी अराउंड 11,600 के पास ये सपोर्ट होगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर से एक बार इन लेवल्स के पास सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया तो करेक्शन आना भी लाजमी है। अगर करेक्शन आने के बाद फिर ये जो स्विंग हाई बनेगा इसको अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में और भी तेजी आपसे देखने को मिल सकती है। न्यूज़ आई थी लास्ट सैटरडे कि एक स्टिमुलस पैकेज फिर से गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो सकता है, तो उससे पहले मार्केट एक ज़बरदस्त रैली दिखा रहा है। तो यहाँ पर डेली वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो हमने देख लिया। चलते हैं निफ्टी के आर्ली चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का ये जो हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है यानी 11,682 के ऊपर अगर यह सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और इमीडिएट हमारा एक क्विकली छोटा टारगेट होगा 11,700 जहाँ पर हमने देखा डेली चार्ट में एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है और इसके ऊपर हमारा 11,717 ये सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इन दो लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है सेकंड टारगेट के ऊपर हाफ एन आवरली चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए तभी बाय पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ बढ़ता है तो कल जहाँ पर ये काफ़ी कंटिन्यू मतलब ऑलमोस्ट 1 बजे तक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, साइडवेज पैटर्न था, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकता है हो सकता है आज यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करें।
तो 11,598 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,581, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,564, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।